मैं फरहान और आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया बुक और आज मैं बात करूंगा आईएमए के बारे में और मेरा साथ देंगे शरियार साहब। शरियार साहब, बात यह है कि लास्ट टाइम जो कोर्ट की हियरिंग थी मैं गया था, तो खैर वहाँ पे तुरंत एक मिनट के अंदर बोल दिया गया कि इस कोर्ट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं हम दूसरे बेंच में, वो एक अलग कहानी है। लेकिन जब मैं लोगों को वहाँ देखा तो बहुत सारे लोग मेरे को ऐसे नज़र आए, इन्वेस्टर से ज़्यादा अपने दुकान चलाने वाले लोग नज़र आए, जो कि कहीं मैं करा दूंगा, मेरे साथ रहो, 1000 रुपया महीना, 500 रुपया महीना लेके अपनी अपनी दुकान चला रहे। तो जिस हिसाब से ये केस चल रहा है, मेरे को नहीं लगता है कि लोगों को सही रोशनी मिल रहा है। हो क्या रहा है वो नहीं पता चल रहा है और आगे क्या करना है वो मालूम नहीं हो रहा है। इसका फ़ायदा लोग उठा रहे हैं, एक तो वो कहानी थी। दूसरी, आज मेरे सुबह सुबह मेरे पास एक ऑडियो क्लिप आया जिसमें ये कहा जा रहा है कि आपको 50 दिन के अंदर मैं पैसा दिला देंगे, वो भी 80%। आप सब लोग हमसे मिलिए, और शायद वो मिलने के बाद, हो सकता है क्योंकि ये इलेक्शन का टाइम है, उनको किसी पार्टी के साथ जोड़ा जाए, इनको आप वोट दीजिए, ये पार्टी आपको मदद करेगी, ऐसा हो सकता है। तो मैं सोचा लॉन्ग रन में आपका क्या सजेशन है इस पे? ये जो वीडियो क्लिप है मुझे फॉरवर्ड कीजिए, मैं इमीडिएटली पुलिस कंप्लेंट फाइल करूंगा। वो जाना चाहिए साइबर क्राइम को, ये बिल्कुल झूठ है। जुडिशियल प्रोसेस जब चल रहा है एक लोअर कोर्ट में, कोई भी ऐसा कैसा प्रॉमिस करता है कि जुडिशियल को चैलेंज कर रहा है वो? ऐसे बहुत ब्रोकर्स आ गए, दल्ले आ गए हैं। मैं आईएमए के लोगों का अपील करता हूँ इनके बातों में ना आए, लेकिन आई एम गोइंग टू फाइल ए पुलिस केस इमीडिएटली टुडे इटसेल्फ, मुझे फॉरवर्ड कीजिए आप, फर्स्ट थिंग। दूसरा, आईएमए का ये है कि आईएमए के जो कानून है, बर्ड्स हैं या जो भी केपीआईटी जो भी है, इनको 6 महीने की रिलीफ की बात करते हैं। मुझे भी आप जैसे बोल रहे हैं रिलीफ नहीं दिखता, क्योंकि कुछ बेवकूफ लोग लाके दूसरे भी केसेस उसमें डाल रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं है। आईएमए का जो अपील है, आईएमए का जो सीरियसनेस है, वो अग्रेसिवनेस जो सभी लोग फॉलो कर रहे थे, 6 मंथ्स या 1 ईयर में आ जाना था। ये दूसरे भी लाके एम्बिडेंट को लाके फलाने के लाके करना, ये बिल्कुल मिलावट नहीं करना। ये फरहान साहब, ये पर्टिकुलर कानून है बर्ड्स आर केपीडी एनी एक्ट किसी में भी ट्राई करना, तो जुडिशरी 6 महीने में आना, जब वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी पूरे प्रॉपर्टी रिकवर करके दिया आईएमए के, तो लिक्विडेट करके पैसे आ जाना था इनको। कुछ लोग जाके इन हो जाके उन्हें जाके ऐसा नहीं करना वैसा करना, ये भी मिलाओ वो भी मिलाओ, को सब भी केस सिमिलर नहीं हो, सिमिलर हो सकते सेम नहीं हो सकते जी। तो ये एक यूनिक केस है, इसको इमीडिएटली फुट करा मैं। हम तो ये इलेक्शंस के बाद ना हम और एक ये करेंगे, जुडिशियल प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाएंगे, लॉयर्स को ले लेके, वी विल हायर लॉयर्स, हमारे लॉयर्स को हायर करेंगे, और अगर नहीं हुआ तो हाई कोर्ट में अपील करेंगे कि ये इस चीज को अलग करके इमीडिएटली इनको रिलीफ दिलाओ। बल्कि द आंसर इतना है, कोई दल्ला, कोई नामुराद, कोई बेवकूफ अगर आईएमए के बेचारे लोगों के पास पैसा पूछ रहा है और 80% दिलाता हूं, तो उससे भी बड़ा चोर कोमिन है, उसके पीछे कोई पॉलिटिकल पार्टी है। मुझे लगता है कि बीजेपी है या वो इनो सम जो वेस्टेड इंटरेस्ट है जिसके तरफ इशारा करूं, वो हो सकते हैं। ये झूठ है, बिल्कुल झूठ है, ये बिल्कुल झूठ है, ये बिल्कुल झूठ, ऐसा नहीं हो सकता लीगल सिस्टम में, नहीं हो सकता। आई एम गोइंग टू फाइल ए पुलिस कंप्लेंट और इमीडिएटली हम लोग लॉयर्स को हायर करेंगे। ये इलेक्शन हो जाने दीजिए, डेडिकेटेड वी विल अपील, अगर ऐसा है तो हम अपील करेंगे, ये भी एक्सप्लोर करेंगे कि ये केस को दूसरों केस से अलग रखे, बिकॉज ये सेट ऑफ पीपल अलग है, कॉमन भी रहेंगे इनका ये बिल्कुल ही अलग ट्रैक पे जाना, वो जो है वो थोड़ा पहले के हैं, वो उसमें जाने दीजिए उनको, विद ऑल सिंपथीज उनके साथ। उन्होंने भी आके हमारे साथ आए तो उसे भी देखेंगे क्या है बोल के, जो फाइट कर रहे हैं उनके साथ मिलकर फाइट करेंगे, बट आईएमए का एक लॉयर्स को रखेंगे, और अगर ये लॉयर ये जज बोल रहा है कि हम दूसरे टाइम से, व्हाई डिड ही डू दैट, कोई रीजन होगा जुडिशरी का, वो एक्सप्लोर करेंगे, एंड हायर कोर्ट से कुछ डायरेक्शंस लेना है लोअर कोर्ट से वो भी करेंगे इमीडिएटली ऑफ द इलेक्शंस, वी विल गेट इन्वॉल्वड इन दिस, आई विल गेट इन पर्सनली, आई विल गेट इन्वॉल्वड इन दिस। जी ठीक है, तो ये आप सजेशन दे रहे हैं कि इलेक्शन खत्म, बट बाशर्त ये है फरहान साहब, देखो मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी पैसे नहीं चाहिए, मैं किसी से पैसे नहीं पूछता, मेरे पैसे स्पेंड करके करता हूँ मैं, खुदा के लिए मैं बुलाए तो आइए आइए, बैंकों के ही जो बाहर के, आपको आने की जरूरत नहीं है, कुछ लोग तो आके साथ दीजिए मेरा, आके बात कीजिए क्या हो रहा देखिए। आई डोंट वॉन्ट एनी मनी फ्रॉम यू, आई डोंट वॉन्ट, कोई भी मेरे नाम से भी लेता है तो नो, मेरा नंबर है, आपका भी नंबर है, हम ना बात करें, हम जो है हम वी विल स्पेंड मनी, वी विल हायर अ लॉयर एंड वी विल ट्राई टू हेल्प देम, वी विल स्टैंड विद देम, द रेजोल्यूशन जुडिशरी से ही आएगा, कहीं बाहर से नहीं आ सकता। तो आप ये क्लियरिटी दे रहे हैं शरियार भाई कि इलेक्शन खत्म होने के बाद आपके मदद से किसी लॉयर को हायर करेंगे और उनसे डेवलपमेंट कैसा हो रहा है गाइड करके काम कराएंगे, उसके लिए किसी से पैसा हमको लेने की जरूरत नहीं है, नहीं लेते हम लोग ऑलरेडी इतना सफल, कोई आपके नाम से या इंडियन मीडिया बुक के नाम से अगर पैसा मांग रहा है तो उसको समझ लें कि कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, और इसको काम शरियार भाई जो कमिटमेंट कर रहे हैं वो करेंगे।
इसके लिए हमारा नंबर आप लोगों के पास है, कमेंट बॉक्स में आप अपना नंबर लिखिए, हम ग्रुप बनाएंगे, जुड़िए और खासकर क्लियर कट आप लोगों को डायरेक्शन दिया जाएगा कोर्ट में क्या हो रहा है। और एक दूसरी बात है, मैं ऐसे दलों को आपके हम आईएमबी के थ्रू वार्न कर रहा हूँ, हंट करेंगे उनको, लीगली हंट करेंगे उनको, इन दलों को, और इनको ऐसी सजा दिलाएंगे कि इनके साथ पुष्टे याद करना अगर ये विचारों को धोखा दिए तो ये लोग चोर कहीं के, ऐसा कैसा हो सकता है फरहान साहब, सब्जेक्ट है मैटर, we will all join together and immediately also मैं file कर रहा हूँ, police complaint कर रहा हूँ, मैं copy will be marked to police commissioner and the local जो police station है वहाँ पे, छोड़ेंगे नहीं उसको, जो वो जालिम जो इन लोगों को बहका रहा है। और दूसरे चैनल वाले भी जो इस IMA का केस लेके आवाज उठा रहे हैं, अगर वो चाहते हैं हम लोगों के साथ जुड़ना, इस मुद्दे पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हम उनको भी सारा इनपुट देंगे, वो अपना इनपुट भी हमको दे सकते हैं, तो मिलके इन लोगों का फेवर किया जा सकता है सभी चैनल वाले, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव कॉमन है जी, हम क्रॉस पर्पसेस में वर्क नहीं कर सकते, सब मिलके ही करना पड़ेगा, वो जो भी है पॉलिटिक्स को बाजू रखेंगे इसके। मैं इस सिचुएशन को देखे, मैं इस बार इलेक्शन भी नहीं खड़ा, क्योंकि मुझे कहीं से बात आई कि पॉलिटिकली इसको यूज करते हैं, कहते नहीं मैं ये पॉलिटिक्स नहीं है मेरे लिए, ये मेरे लिए मेरे कौम का मसला है, मेरे लिए अपना मसला है ये, मैं इनके लिए खड़के लड़ूंगा, अपने रिसोर्सेज से लड़ूंगा, इनके लिए ऑलरेडी बहुत थक गए हैं, बहुत इन लोगों की बर्बादी हुई है, कोई भी इनसे झूठ नहीं बोल सकता, इनसे पैसे भी डोनेशन नहीं, क्लियरिटी तो आना जरूरी है ना, क्या हो रहा है कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि अंदर क्या हो रहा है, हर कोई आते हैं 500 रुपये महीना दे दो, 1000 रुपये दे दो, ये लेने में तो पीछे नहीं हटते हैं, लेकिन कोई सामने नहीं बता रहा है कि हो क्या रहा है। नहीं, ये जो वीडियो सर्कुलेट हो रही है ये क्रिमिनल ऑफेंस है जी, ये क्रिमिनल ऑफेंस, कोई कमिट कैसे कर सकता है, देखिए नहीं, जुडिशियल प्रोसेस कंटेंट ऑफ जुडिशरी हो गया ना, कि जुडिशरी देख रही है और आप कह रहे हैं कि 80% कहां से लाके देगा, 80% है वहां रिकवरी नहीं उतनी, तो हम लोग इसके विल फाइल पुलिस कंप्लेंट अगेंस्ट हैं, छोड़ेंगे नहीं उसको, पकड़ेंगे वो जो भी है। ठीक है, थैंक यू सो मच हरिहर भाई इस पर रोशनी डालने के लिए, थैंक यू सो मच वॉचिंग इंडियन मीडिया बुक, और आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना नंबर भेजिए कि हम आप सब लोगों को ग्रुप बना के मैसेज दे सकते हैं। थैंक यू।